सारे कागजों की जांच पड़ताल करने के बाद मैं उन उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रहा हूं जो प्रीतमपुरा के चुनाव में खड़े होने के योग्य पाए गए हैं। पहला नाम बलदेव सिंह, बलदेव बाजी जिंदाबाद, और बख्तावर सिंह, बख्तावर बाजी जिंदाबाद। यही दो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य पाए गए हैं। एक सेकंड, ऑफिसर साहब, वो दरअसल आपने रणविजय सिंह का नाम घोषित नहीं किया, क्यों? रणविजय सिंह का नाम अयोग्य ठहराया गया है, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि उनके कागजों में कुछ गलत पाया गया है। अयोग्य? बलवंत भाई साहब, आपने पता है कि रणवीर का नाम अयोग्य क्यों कर दिया? ओ प्रजाई जी, यह गल सुन के तो मैं भी हैरान हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो उसने बस इतना ही बताया है कि रणवीर ने अपनी पूरी संपत्ति शपथ पत्र में घोषित नहीं की और इसीलिए उसको अयोग्य माना गया। उससे ज्यादा उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। नहीं नहीं बलवंत भाई जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने शपथ पत्र के कागजों में सब कुछ घोषित किया था, पर आप तो जानते हैं ना, वीर जी के पास छुपाने लायक कुछ है ही नहीं, तो फिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम लोग एक काम करो, तुम जाके उससे गल करो, हो सकता है तुम्हें और कुछ बताए, है ना? तब तक मैं पंचों से जाके गल करता हूँ, पूछता हूँ कि इसमें और कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, चल चल वीरा। जी सत श्रीकाल भाजी, लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने तो अपनी सारी संपत्ति की घोषणा कर दी थी, अब पता नहीं क्या हुआ, हमारे पास तो कोई ऐसी संपत्ति भी नहीं। लगता है आपके पास कोई गलत जानकारी आई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम्हारे नाम पर एक और जमीन रजिस्टर्ड है। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह पता चला है कि तुमने उस जमीन की जानकारी इन कागजों में घोषित नहीं की। जमीन? कौन सी जमीन? खेती की जमीन जो कल ही इनके नाम पर हुई है, और इन्होंने उस जमीन के कागजात पर दस्तखत भी किए हैं अपने। ये देखिए, ये आप ही के दस्तखत है ना? दस्तखत तो मेरे हैं, लेकिन मैंने कोई ऐसे जमीन के कागजों में दस्तखत नहीं किया है। अब मुकरने से कोई फायदा नहीं, तुम इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। ये तेरे और रणवी के ब्याह का तोहफा, तो फिर तू ना बस इन कागजों पे कैसे भी करके रणवी के ना दस्तखत ले आ। रणवी, मैंने तेरे नाल एक बड़ी जरूरी बात करनी है। कुंजन रुक जा, मैं कुछ बात करता पया। रणवी, बहुत जरूरी बात है, एक बारी मेरी गल सुन ले, और यह बात अभी की अभी करनी है मैनू। बता क्यों होया? रणवी, मैंने तुम्हें बताना था कि ऐसा जो हुआ है। देखिए, अब हमारा यकीन मानिए, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पास एक ही जमीन है, पुश्तैनी जमीन, और कोई दूसरी जमीन नहीं है। जी, हमारी इन्होंने सही वजह से नाम हटाया, इनकी कोई गलती नहीं है इसमें। इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं। तुम्हें पता है तू की बोल रहा है? हाँ बीजी, मैंने पता है कि मैं की कह रहा हूँ। आप घर चलिए, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। पर रणवीर जी, मैंने कहा ना, आप घर चलिए, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। वीरा,
अंदर से ना खबर आई है कि रणवी का नाम इसलिए काट दिया गया है क्योंकि उसने कागज भी सारी संपत्ति की जानकारी नहीं दी थी। रणवी नु ऐसा कर सकता है? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? मैनू पूरा यकीन है रणवी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। सच्चाई की राह पे चलने वाला बंदा है वो। लेकिन मैनू लगता है किसी ने जरूर कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ की है। मुझे लगता है रणवी जो है जितना दूध का धुला हुआ दिखता है असल में उतना है नहीं। जो बात जांच पड़ताल से पता चली है वो झूठ थोड़ी होगी, तो बिल्कुल सच्ची होगी ना। मीरा जी घर चल। यकीन ही नहीं हो रहा है। अगर बलदेव चुनाव जीतने के वास्ते ये सब करता तो ठीक है, समझ लेती, उसका बचपन से ही दिमाग टेढ़ा है। पर समधन जी अपने बेटे को ये सब करने से रोकने के बजाय वो उसका साथ दे रही है, और वो भी अपनी अपनी बेटी के बेटी की भावनाओं के साथ खेलकर। अरे मैं भी समझती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, एक माँ हूँ, अपने अपने बेटे की फिक्र होती है, वो हर कदम पर अपने बेटे का साथ देना चाहती है। पर ये कैसा साथ है? अपनी बेटी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके वो अपने बेटे नू रिश्तों से अपने पिंड से बेईमानी करना सिखा रही है। रतन सही कहूं, मेरे को तो जरा से भी हैरानी नहीं हो रही है। मुझे क्या, अरे तुम सबको पता है ना बंसुदी शुरू से ही ऐसी है। उसने बलदेव के बचपन से सपना देखा हुआ है कि बलदेव को बड़ा होकर वो सरपंच बनाएगी, और ये सपना पूरा करने के वास्ते उसके सामने सच झूठ सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा उसको। पर चाय जी ये सब करने से पहले उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि वो अपने पिंड के साथ कितना गलत कर रही है, अपने अपने दामाद के साथ, अपनी बेटी के साथ कितना गलत कर रही है वो। अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता बीजी। क्यों फर्क नहीं पड़ता रणवी? क्योंकि चुनाव कल है, और आज की सच्चाई ये है कि मैं इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। अब जो हुआ सो हुआ, अब बात खत्म करके हम आगे बढ़ते हैं। नहीं छोटे चन, ऐसे कैसे खत्म कर दे? तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, धोखा हुआ है, और धोखा सिर्फ तेरे साथ नहीं, यही धोखा कल को जाके पिंड वालों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है पुत्र। ना छोटे चन, ना ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र तू मेरे को ये बता, क्या हम लोग कोई मुकदमा वगैरह नहीं कर सकते? चाची जी मेरे दस्तखत है उन जमीन के कागजों पे, और वैसे भी मैं किसी भी हालत में गुंजन के परिवार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करूंगा। उन्होंने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन मैं रिश्तों को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता। पर अगर मैंने ऐसा किया ना तो चाहिए ना वो मेनू अच्छा लगेगा, ना आप में से किसी नू भी। चाहिए जी आप ही तो कहती है ना कि अगर अपनी जबान अपने दांतों के नीचे आकर कट जाए उसमें किसी नु की कह सकते, इसलिए मामला यही खत्म करते थे। और आप सब तो पहले से ही जानते हैं मेरा सरपंच बनने का कभी कोई सपना नहीं था। इस सब के बाद मैनू एक दिशा मिल गई है जिससे मैं आगे जाके पिंड और पिंड वालों का भला कर सकता हूं। मैनू कोई कोई पद की जरूरत नहीं है इस वास्ते, मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैं करता आया। आप भले ही हार मान ले, आपकी वीरा आपको नहीं हारने देगी। पर अब बात सिर्फ सरपंच की कुर्सी की नहीं है, आपकी और इस पूरे परिवार की इज्जत की भी, और मैं अपने परिवार की इज्जत पर आज तक नहीं आने दूंगी। पुत्र मैं तो आज इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती मेरे कलेजे में कितनी ठंडक पड़ी है। वो रणवी हो गया मैदान से बाहर, अब मेरा पुत्र अंदर। अब तो बस तुझे सरपंच बनने से ना कोई रोक ही नहीं सकता। ओ बीजी वो तो सही वक्त पे मैंने चुनाव अधिकारी के दफ्तर में ना वो जमीन के कागजात रखवा दिए। अगर उससे टाइम पे वो कागजात नहीं मिलते ना तो हमारा काम तो बनना ही नहीं था। पुत्र हमने जो काम करना था ना वो तो हमने कर दिया, अब तो बस इंतजार है सरपंच के चुनाव के नतीजों का और तेरे सरपंच बनने का।
पीजी उस जीत से बढ़ के वीक, परिवार नू पूरे पिंड के सामने नीचा दिखाना था मैंने, इसलिए ये सारा खेल मैंने खेला। जब सीती अकल से काम ना बने ना, तो अकल नू थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। रणवीर और उसके परिवार वाले बलदेव के साथ चाले चलने पर उतर आए थे, जवाब देना उन्हें जरूरी हो गया था बीजी, ऐसा जवाब ताकि उनके मुंह पर पिंड की धूल दिखाई दे। ओ मैं क्या बाजी, गुबार का हो बाजी, गुबार का। ओ मैं क्या, आपने तो फटे ही चक दिए। ओ बल्ले बाजी, ओ जे क्या चाय चाय पी रहे हो, ओ हमारे साथ में कब मनाओगे जश्न है? हाँ बाजी, आ दो छेती हमारे साथ भी। तो इसमें क्या है, और जश्न तो बनता है, और बहुत बड़ा जश्न बनता है, हैं? और मैं तुम लोगों को ना बहुत अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, और चलो और तुम लोग जहां मैनू ले जाओगे मैं वहां चलने के लिए तैयार हूँ। भाई सरपंच बलदेव, ओ उसके नाल तो ऐश ही ऐश होनी है कि नहीं? ओ भी जी, ओ मैं आता हूँ। अच्छा चल आजा जो भी। हमारा सरपंच कैसा हो? बलदेव सिंह जैसा हो। बुरा लगा मैनु सुनकर कि तेरे वीर का नाम उम्मीदवारों के लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ से अच्छा ही हुआ है। मतलब अच्छा हुआ कि ना वो धक्का उसे आज ही लग गया, वरना कल मेरे हाथों चुनाव में हार कर जो धक्का लगने वाला था तो तेरा वीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बलदेव, अगर तुझे अपने जीतने पर इतना ही भरोसा होता ना, तो एक कायर की तरह धोखे से मेरे वीर जी का नाम नहीं हटवाता। तू तो हमेशा यही कहता है ना कि तू कभी पीठ पीछे वार नहीं करता, शेर कहता है ना तू खुद को। दिख गया आज कि शेर की खाल में गीदड़ सामने खड़ा, जिसमें मेरे वीर जी का सामना करने की ताकत ही नहीं है, इसलिए दगा कर गया उनसे। अगर तुझमें इतनी हिम्मत होती ना बलदेव, तो मेरे वीर जी के चुनाव में रहते उनको हरा कर दिखाता। ओए, संभल कर, समझी तू? मैं मत भूल, तेरा वो जो वीर है ना, अब इस दौड़ के बाहर हो गया है, अब तेनू अकड़ दिखाने का कोई हक नहीं है। इस पिंड के होने वाले सरपंच दे नाल तू अपना बर्ताव ना सुधार ले, वरना आगे चल के बहुत तकलीफ होने वाली है तेन। बलदेव सिंह की दुश्मनी तूने अभी वेखी कहाँ है? अपने इस ख्याली पहाड़ से ना नीचे उतर जा तू बलदेव, क्योंकि जिस पद पर बैठने वास्ते तू ये बेमानी के पैरों की कुर्सी बना रहा है ना, ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। और वैसे भी बलदेव, वक्त किसी का होकर भी नहीं होता, 24 घंटे बाकी हैं अभी। तेरा गुरूर, ये तेरी अकड़, अपने पैरों तले मसल कर दिखाऊंगी मैं तन्नू, समझा? मुझ पे धोखे का इल्जाम लगाने वाली तू, तू क्या है, हैं? तेनू सिर्फ लोगों के दिलों दे नाल खेलना आता है, उन्हें झूठ बोल के उनका फायदा उठाना आता है, और मैं जो हूं वो दिखता हूं। तेरी तरह नहीं, जुबान पे और कुछ, और दिल में कुछ और।
अरे लोगों को अगर धोखा देकर उनके नाल हेरा फेरी करनी हो ना तो वो कोई तुझसे सीखे। इस मामले में ना तू मास्टर नहीं है, मास्टर नहीं है। लेकिन तेरा इन मामलों में मास्टर नहीं होने का भी क्या फायदा हुआ? आखिर में तेरे वीर को हार माननी पड़ी। किसी ने बहुत सही गल कही है, जैसी करनी तैसी भरनी। तेरे वीर को तेरे किए की सजा मिली। अब ना वो चुनाव में लड़ पाएगा और ना अब कोई तेरे परिवार से कभी सरपंच बन पाएगा। हाँ तो अब बता, कितने घंटे दिए थे तुम्हें मैंने? 24 घंटे। हैं? ठीक है, मैं भी देखता हूं तो 24 घंटों में क्या पाड़ लेती है। तेरे वीर को तेरे किए की सजा मिली। अब ना वो चुनाव में लड़ पाएगा और ना अब कोई तेरे परिवार से कभी सरपंच बन पाएगा। ओए आज तो आपने सारी हदें पार कर दी बंसरी जी। ओए कैसी माँ हो आप है? आपको ऐसी गंदी हरकत करते वक्त एक बारी भी ख्याल नहीं आया कि आपकी बेटी की और आपके दामाद की जिंदगी का क्या होगा? उस सुबह से पागलों की तरह मैं इधर उधर घूम रहा था ये पता करते हुए कि रणवी का नाम अचानक से रद्द क्यों कर दिया, और बाद में पता चलता है कि ये सब आपका और आपके उस निकम्मे कपूत का किया धरा है। अरे जानवर भी अपने बच्चों पे खरोच नहीं आने देते, तो आप तो इंसान हो। इतना बड़ा फ्रेम किया आपने, ऐसी गंदी हरकत करते वक्त आपके जमीर ने आपको एक तुम्हारी भी कोसा नहीं। ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? मैं कहता हूँ जवाब दो। सरपंच जी, एक माँ ने वही किया जो एक माँ को अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए करना चाहिए। परदेव की जिंदगी संवारने वास्ते और उसके सपने पूरे करने वास्ते मैंने ये सब किया है। कैसी जिंदगी है? कैसे सपने? बेईमानी से पाई हुई चीज कभी किसी को मिली है? मैंने एक गल दसो, जिंदगी क्या सिर्फ आपके बेटे की है? आपकी बेटी की नहीं है, आपके दामाद की नहीं है। शायद आप ये भूल गई हो कि आपके बेटे के साथ साथ आपकी एक और औलाद भी है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि गुंजन भी आपके बेटे की तरह आपकी औलाद है। बीजी एगल बहुत पहले भूल चुकी है पापा जी। बीजी आपने कभी मैनू अपनी बेटी नहीं समझा, हमेशा मैनू पराया महसूस कराया। बचपन से आपने वीर जी नू गले लगाया और मैनू हमेशा अपने आप से दूर किया। बीजी लेकिन आपको क्या लगता है बीच कि बचपन से लेकर अब तक जो आपने मेरे साथ किया वो मेनू याद नहीं है? मेनू सब याद है बीजी, मेनू सब याद है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके प्यार के लिए तरसी। आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया और मैं पागल समझ बैठी। आपके प्यार ने हमेशा मैंने धोखा ही दिया है बीजी। कल जब आपने कहा कि आप मैनू और रणवी नू तोहफा देना चाह रही थी तो मैं खुशी से पागल हो गई, ऐसा सोचकर कि आपका मन मेरे लिए बदला। बीजी मैनू लगा कि आपने मेरे सच में अपना लिया। बीजी आप मुझसे प्यार करने लगी लेकिन वो सिर्फ मेरी झूठी उम्मीद थी। आपके प्यार ने फिर से धोखा दिया मैनू और
एक बार फिर एक बेटे की माँ जीती और एक बेटी की माँ हार गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।